गाड़ी आई आपको लेने। भागो भागो। कोई भी यहाँ पे जाए ये यहाँ तक कबाजी नहीं चलेगी, ऐसे धंधले यहाँ पे रोडों पे लड़कियाँ लड़के सारे आके ऐसे, क्या इनके पास क्या लेडीज पुलिस नहीं थी? लेडीज पुलिस आके इस लड़के को घसीट सकती थी, ले सकती थी, ले ये जेंट्स पुलिस ने बाजू तोड़ दी, किसी की बाल खींच के ले रहे हैं। ऐसे लड़कियों की इज्जत की जाती है, इनके घर में बहन भाई भी है क्या? पिछली बार भी इसी तरह से हुआ, पिछली बार भी इस तरह से ही हुआ था, इस तरह से हम रोए थे। मैम आपको पता है ना, क्या एक की बाजू टूट गई थी, मैं भी बेड पे लेट गई थी, एक और लड़की उसको यहाँ पे पेट में यहाँ पे मारा गया था और उसको हॉस्पिटल ले गया था, हॉस्पिटल ले गए थे उसको। मैं आप हर बार हमारे प्रोटेस्ट में आते हो, ये बात जम्मू, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, अब ये जम्मू नहीं रहा, ये श्रीनगर बन चुका है, ये श्रीनगर बन चुका है। मैम क्या मांग करना चाहेंगे आप? जम्मू जम्मू की दुआई दे रहे थे, वो तो सारे गद्दार हो गए, गद्दार है। मैम कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं है, क्यों नहीं है? इलेक्शन जब होंगे, वोट होंगे, वोट लेने तुम बड़े मजे से हमारे यहाँ पे आओगे, वोट लेंगे हमसे। यही जम्मू कश्मीर बनाने का इरादा था, यही। और कहा जा रहा था क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को अगर हमारे माँ बाप इतना जिम्मेदारी करके पढ़ा रहे लिखा रहे, तो आज लेडीज पुलिस हमें क्या अरेस्ट ऐसे करेगी, बालों से खींच के हमारी लड़कियों को अरेस्ट किया जाएगा?
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कहते, क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सर? मैम मोदी सर से यही कहना चाहती है, सिर्फ स्लोग रह चुका है और कुछ नहीं, इसका मेन मोटिव ही खत्म हो चुका है सर। हमारा मुद्दा उठाया जा रहा है लेकिन हमारी एलजी सरकार अभी तक जागी नहीं है। हमारा गुनाह क्या है? हमने कौन सा गुनाह किया है? महाराष्ट्र से शिवसेना वाले यहाँ पहुंचे, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जम्मू से सड़क में नहीं उतर सकती, अपनी चेयर से लाइव हमें देखे जा रहे हैं मैम, आपके चैनलों से हमें कहीं ना कहीं वहाँ से हमें देखे जा रहे हैं, लड़कियाँ लड़के कैसे उनको घसीटे जा रहे हैं, पर ये यहाँ पे नहीं आ रहे कोई। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, सारे हमारे समर्थन में, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं है, एक भी यहाँ पे नहीं है। और जब बोल नेता तो ऐसे भाजपा कहते हैं हमें पता ही नहीं मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या नहीं, मुद्दा सब पता है, इनकी आंखें खुली हैं फिर भी ये बंद आंखों को कर देते हैं। पंद्रह बजे
बैठी होकर दिखा जी सर क्या कहना चाहिए जी बोलिए। हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह आज बौद्ध बटालियन के बच्चे फिर से आज सड़कों पर बैठे हुए हैं, इनका एकमात्र यही लक्ष्य है कि आज सड़कों पर बैठे, क्योंकि इनकी जो रिटर्न कंडक्ट की डिमांड थी वो जेन्युइन डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा। ये बच्चे पिछले कितने महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि दोबारा रिटर्न कंडक्ट करना चाहिए इनको सरकार को, वो नहीं कर रहे हैं। ये बच्चे भीख में नौकरी नहीं मांगे, ये बच्चे फ्री में आपसे नौकरी नहीं मांगे, इन बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया है और 3-4 साल से लगातार ये सफर कर रहे हैं, तभी इनका पीआरसी के नाम पर कभी डोमिसाइल के नाम पर इनका साल वेस्ट कर दिया जी। और मैं कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों के साथ साथ ही इन लड़कियों के साथ जिस तरह दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि जो मेल जो पुलिसमैन है ये इनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। हम टारगेट नहीं करेंगे अपनी पुलिस को, पर पुलिस को जिस तरह के ऑर्डर मिले हैं पुलिस भी उसमें मतलब अपनी तरफ से कर नहीं पा रही है। तो हमारी साफ जेन्युइन डिमांड यही है कि इन बच्चों को रिटर्न कंडक्ट किया जाए, क्योंकि इन बच्चों ने मेहनत की है, दो बार फिजिकल दिए हुए बच्चों ने, तो इन बच्चों को रिटर्न कंडक्ट कराया जाए, इन बच्चों को खजन ला किया जाए, जिस तरह हमारे बच्चों के साथ जम्मू के बच्चों के साथ पिछले 70 साल हो आ रहा है, यही हमारे साथ हो रहा है, तो इन बच्चों को रिटर्न कंडक्ट किया जाए। सर जिस तरह कल कॉन्फ्रेंस करके सीआईएसएफ बॉर्डर बटालियन जितना भी यूथ है कहीं ना कहीं एकजुट जो पार्टी है ये आगे आकर उनके साथ जुड़ेगी और उनको जो उनके हक है वो दिलाएगी। देखिए मेरी बात सुनिए, जो एकजुट जम्मू पार्टी है वो जम्मू के बच्चों की बात करती है। ऐसा कोई भी इशू हो, जम्मू का इशू हो, जिससे जम्मू इफेक्टेड होता है, उस पर एकजुट जम्मू खड़े होकर काम करती है और डिलीवरी का रिकॉर्ड है एकजुट जम्मू का, उसी को देखते हुए हम इन बच्चों के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन बच्चों की जेन्युइन डिमांड है। आप देखिए जिस तरह नोटिफिकेशन निकाली गई है, एक नोटिफिकेशन 2 पर्ची निकाली जा रही है, किसी तरह जायज नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए पोस्टें उतनी है, ठीक है, लोग उतने ही है, पोस्टें उतनी वैकेंसी, पर इसमें लोग अगर ऐड कर देंगे आप तो उन बच्चों का हक मारा जाएगा और साथ में उन बच्चों का हक इसलिए मारा जाएगा क्योंकि अब जो ये नोटिफिकेशन निकली है इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि SC ST पहाड़ी अपना EWS उसके बाद बहुत सारी जो चीजें इन्होंने डाल के उसमें बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी कर दी हुई है कि बच्चे जो पहले फॉर्म भर चुके थे उन बच्चों को इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा, जो नए बच्चे हैं उनको इस चीज का फायदा मिलेगा। तो इससे एक बच्चों में भी रोष पैदा हुआ है, बच्चों में भी आपस में क्लैश हो सकता है, क्योंकि देखिए बच्चे सारे जम्मू के हैं कश्मीर के हैं, पर क्या होता है कि जब आप देख लीजिए किसी का हक आप छीन के किसी को देंगे तो आपस में एक घृणा पैदा होती है, तो इससे हमारे जम्मू को नुकसान ये भी है कि बच्चों में आपस में क्लैश हो सकता है। दूसरा ये जायज डिमांड है, ये किसी भी तरह से नाजायज है ही नहीं, इसलिए हम सामने खड़े हैं क्योंकि बच्चे जेन्युइन डिमांड करें कि रिटर्न कंडक्ट करवाइए, बच्चे को जो आप मतलब कि इस तरह बड़ी मांग रहे हैं कि आप उनको मतलब वीक में दे दीजिए, बच्चे कह रहे हैं रिटर्न कंडक्ट करवाइए, अगर हम पास होते तो ठीक है फिर वो भी ठीक है, अब ये रिटर्न कंडक्ट नहीं करवा रहे तो आप सोच लीजिए ये सरकार की मंशा क्या है। ये सरकार ये कहती है कि 50,000 जॉब देंगे, इतनी जॉब देंगे, पर देख लीजिए आज जम्मू में क्या हालत है, बच्चों की जॉब छीनी जा रही है। आपने देखी थी नोटिफिकेशन 2019 से पहले अक्टूबर जो बच्चों के जो पोस्ट उनको विदड्रॉ कर लिया गया, तो इससे साफ एक इशारा है सरकार की तरफ से कि हम जम्मू के बच्चों को बिल्कुल रोजगार नहीं देंगे, बिल्कुल जोड़े उत्तर बना के रखेंगे और ये अपने उन इलाकों में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। पर बिल्कुल जम्मू जिस तरह जम्मू की बात करता रहा है, जम्मू के हर इशू को टैकल करता रहा है और उसमें डिलीवरी देता रहा है, हम बताना चाहते हैं इन बच्चों के साथ जो भी इन बच्चों का डिसीजन होगा अपनी नौकरी पाने के लिए रिटर्न कंडक्ट करवाने के लिए हम इनके साथ खड़े हैं और जो भी होगा देखा जाएगा। काम करके दिखाएंगे तो वोट बच्चे जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं 10 किलोमीटर बॉर्डर पर खड़े होकर बच्चे इसी तरह हमारी जान बच गई, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो 200 मीटर 1-1 किलोमीटर के ऊपर बॉर्डर पर रहते हैं, इनकी जान कीमत नहीं रखती है। एक दिन को आगे यहाँ पे लाली बहुत सुना दिया कि आपको हम बटालियन बनाएंगे बॉर्डर, अभी वो बनाने की बारी आई वो इनसे किया नहीं गया, अब प्रॉब्लम बढ़ गया रिव्यूटाइजमेंट का, रिव्यूटाइजमेंट करनी है, हमारा एक ही मकसद है इन बच्चों के लिए, इनको इनका हक मिला जाए, रिव्यूटाइजमेंट के लिए वो कैंसिल की जाए और जल्दी से जल्दी 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 पेपर कंडक्ट किया जाए, यही तो फिर से ला गया पूरे जम्मू की Justice! 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 Just
Justice! 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 Just